धनबाद में एक कलयुगी पुत्र के प्रताड़ना से तंग आकर गोधर की एक वृद्ध माता पिता पहुंचे थाना के शरण में तथा जान माल की गुहार लगाई। इस संबंध में केंदुआडी थाना क्षेत्र के गोधर रवानी बस्ती निवासी देवू रवानी 75 वर्षीय अपनी पत्नी बालिका देवी 60 वर्षीय के साथ सोमवार को अपने इकलौते पुत्र व पतोहू के शिकायत लेकर थाने पहुंची तथा इंसाफ की गुहार लगाई। इस संबंध में उन्होंने बताया कि उनका इकलौता पुत्र उमाकांत रवानी उर्फ बापी रवानी एवं उनकी पत्नी वर्तमान में धनबाद के विफोर मंदिर के पास स्थित अपने मकान में निवास करते हैं तथा निरंतर गोधर स्थित उनके आवास में आकर अपने माता पिता को तंग करते हैं व मारपीट व गाली गलौज करते हैं, साथ ही जान मारने की धमकी भी देते हैं। वृद्ध माता पिता को किसी प्रकार का भरण पोषण भी नहीं देते हैं, झगड़ा करते हैं, जिसके कारण वृद्ध माता पिता को जीवन यापन करना मुश्किल हो रहा है। प्रताड़ित करने का मुख्य कारण गोधर स्थित घर व जमीन है, जिसे उनका पुत्र जबरन आकर कब्जा कर किसी दूसरे को बेचना चाहता है। इस संबंध में समाज के लोगों के द्वारा पंचनामा कर उसे अलग कर दिया गया है, बावजूद वो दबंगई के साथ इस घर को कब्जा करना चाहता है। आपको बता दें कि समाज के लोगों ने इन दोनों माता पिता की परेशानी को देख कर उनके 5 विवाहित पुत्रियों में से एक पुत्री पुष्पा देवी में साथ रहकर सेवा करने का निर्देश भी दिया है। केंदुआडी पुलिस इस शिकायत के आलोक में छानबीन आरंभ कर दी है। उन लोग खाने नहीं देता है, मार करता है और गाली गलौज करता है और कभी कभी इतना है जितना जमीन जायदाद है समूचा बिक्री करने के लिए। कितने लड़के हैं आपके? एक ही लड़का। क्या चाहता है वो, क्या कहता है? वो चाहता है वही बेचने के लिए और कहता है बुढ़ापा में आप लोग को देखता भी नहीं। अब देखता क्या है, खाने तक नहीं मिलता है और खाना अगर देता है तो हम वहाँ खाना बांट के रख दिया है और बोलता है जाओ ले आए और फिर हम लोग जाते हैं उतना दिन से खाना फेंक देता है, हम लोग अपने लेके आते हैं। अभी आप लोग अकेले कितने दिन से हैं? इतना दिन से करीब करीब 2-5 महीना हो गया। तब थाना किस लिए, क्या क्या कहे, थाना आए तो क्या हुआ? थाना हुआ तो वही कल तो लिखा पड़ी हुआ घरवा खाली करने में। घरवा लड़का हमसे नहीं बनता तो लड़की से थोड़े बने, हम लड़की को संपत्ति सब दे रहे सब दे रहे लड़कियाँ लड़की को हमसे नहीं बनता तो लड़की